जो है कोर्ट की तरफ से या कानून इस चीज को अलाउ नहीं करता। सर ऐसा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपके राइट्स को पूरा वेल करता है। आपके घर आके कोई बदमाशी नहीं कर सकता, कोई आपसे रिकवरी के लिए आपसे गाली गलौज नहीं कर सकता, ना किसी तरह का आपको आपको उत्पीड़न दे सकता है। मेंटली फिजिकली दोनों तरह से आपको जो है सोल्यूशन यही है कि सर आप अपने राइट्स को पहले तो अपने राइट्स को जानिए। सबसे पहले आप ये जानिए कि आपके कानूनी अधिकार क्या है, आपके संवैधानिक अधिकार क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कौन से हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, और फिर इन चीजों के बावजूद आप अपनी लाइबिलिटी को भी जानते रहे। केस मैं कर रहा हूँ जिसके अंदर आप, मैं ये तो नहीं कह सकता कि दुनिया आधी झूठी है या आधी सच है या सच है या झूठ है, पर नंबर ऑफ केसेस आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है बच्चों के बीच में टेंपर में डिफरेंस। सर आपने एक कहावत सुनी होगी कि नीम नीम खतराए जान जी, तो मुझे कहना नहीं चाहिए अपने प्रोफेशन के बारे में। कई एडवोकेट्स तो ऐसे हैं कि जो कॉपी पेस्ट करते हैं एलिगेशंस को, ठीक है ना जी, वो सिर्फ इतना जानना चाहते हैं लड़की पक्ष से भाई इसके घर में ननंदे कितनी है। सबसे बड़ी परेशानी है आज की जो जनरेशन है, यंग जनरेशन, उसका अनएम्प्लॉयड। दूसरा है सोसाइटी, आपका बच्चा किस सोसाइटी में कैसे बड़ा हो रहा है, आपको जानने के बावजूद भी कई बार आप ध्यान। मैंने उस समय ये देखा कि देखिए जीत सत्य की होती है, वो सच्चाई, इसलिए हम सत्य में भी होती है। पर एक क्लाइंट के लिए चड्डा साहब जो थे, अमरीश पुरी साहब, उसके अंदर देखिए वो साम दाम दंड भेद कैसे भी करके पूरी कोशिश करते हैं कि उनके जो है क्लाइंट को रिलीफ मिले। और वो दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल। दोस्तों बड़े बूढ़ों ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, बड़ी अच्छी कहावत भी है, और अधिकतर लोग इस बात को मानते भी है कि भगवान डॉक्टर पुलिस और वकील इन तीन से बचाए। पर सच्चाई ये भी है कि आज के जमाने में, आज के टाइम में जो चल रहा है हमारे देश के अंदर, तो उसमें कहीं ना कहीं डॉक्टर से तो खैर वकील साहब नहीं बचा सकते, पर पुलिस से वकील साहब जरूर बचा सकते हैं। दोस्तों आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आकाशदीप मलिक साहब और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। सर मैं सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। मैं चाहूंगा हमारे जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं एक छोटा सा अपना परिचय उनको जरूर दें आप। मेरा नाम आकाशदीप मलिक है, मैं सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करता हूँ जी। बेसिकली क्रिमिनल लॉयर हूँ, इसके अलावा भी सिविल सूट्स वगैरह देखता हूँ जी। अभी हमारे साथ मेरी सेकंड जनरेशन, मेरा बेटा भी एडवोकेट बन गया है, बहुत जो कि मेरे साथ जुड़ गया है, जिससे मैं आगे लोगों की जो सेवा करता हूँ उससे मुझे ज्यादा सेवा करने का अवसर प्रदान हुआ। मलिक साहब आपके बारे में हमारी टीम ने बहुत अच्छी रिसर्च की है और काफी सारी जानकारी हमने जुटाई है, उनके बारे में बात करेंगे। पर मैं उससे पहले ये जानना चाहूंगा कि जो अभी मैंने आपके कहावत सुनाई कि भगवान डॉक्टर पुलिस और वकील से बचाए, हमारा सबका पालनहार, हमारा इष्ट, हमारे परमात्मा जी जिसके ऊपर हमारी सबकी आस्था है, वो तो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ होने के साथ साथ सर्वोच्च है। उसके बाद अगर आपको किसी प्रॉब्लम में आप फंसते हैं, जैसे आप बीमारी में फंस जाते हैं तो भगवान के बाद आपको डॉक्टर ही बचा सकता है, किसी विवाद में फंस जाते हैं तो ईश्वर के बाद आपको वकील ही बचा सकता है। बिल्कुल। तो हम लोगों की जो ये कार्य है, जो प्रोफेशन है, ये समाज के लिए है ही, इसलिए नहीं पर हम लोग आपको सर्व करते हैं, हम लोग आप ही के लिए जो है अपना संज्ञान लेके चलते हैं और अपनी हमारी जितनी भी एजुकेशन है, जितने भी एक्सपीरियंस है, सब आप लोगों के लिए यूज करते हैं, आपके अच्छे के लिए सब कुछ यूज करते हैं। नहीं पर मलिक साहब एक बात है इसमें, जैसे कि बहुत सारे वकील ऐसे देखे गए हैं जिनका मुझे भी ऐसा एक्सपीरियंस मिला है, और मैंने कई लोगों को ऐसा देखा भी है कि वकील साहब कई बार अपने क्लाइंट को पैसे बनाने के चक्कर में तारीख पे तारीख। देखिए ये जो पहले जमाने की जो इस तरह की वकालत होती थी ना, आज जमाने में वो नहीं चलती। आज जमाने में हर चीज, आज आप फास्ट फूड खाते हो जी, आज आपकी इच्छा क्या होती है, आपको कुछ खाने के लिए चाहिए तो आपके पास इतना समय नहीं है कि आप आधा घंटा रेस्टोरेंट पे इंतजार करोगे, उसके बाद वो आपको डिश सर्व करेगा, आप अपना एक घंटा खराब करोगे। तो व्हाट यू आर यूज्ड टू कंज्यूम, आप क्या करते हो, शॉर्ट का जो है ना, जल्दी खाना, फास्ट फूड खाना खा लेते हो, बर्गर खा लिया, कुछ खा लिया, साथ में कोक पी ली, आपका काम चल गया। अब हमारी वकालत में भी इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन आ चुकी है। अब हम क्लाइंट से ऐसे डील नहीं करते कि क्लाइंट आता रहे, मुकदमे बढ़ते रहे, तारीखें बढ़ते रहे। हम कहते हैं आया है, इसको रिलीफ दिलाओ,
इसका मुकदमा फारिग करो और इसको घर भेजो। दूसरा क्लाइंट खड़ा है, दूसरा क्लाइंट खड़ा है, उसको एंटरटेन करो, उसके लिए काम करो। बल्कि मैंने तो सुना है कि आज के टाइम में बहुत सारे कोर्ट केसेस ऐसे भी जो अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे हैं। नहीं, इस तरह के तो मैं कह नहीं सकता, मेरे मेरे दिमाग मेरे मतलब की जो एक्सपीरियंस के हिसाब से तो ऐसा कोई केस नहीं है जो अंग्रेजों के जमाने से चलता आ रहा हो। बाकी कानून में देरी लगती थी, लग रही है, अभी भी पुराने कई केसेस ऐसे हैं, 20 साल पुराने, 25 साल पुराने, मोर ओवर 30 साल पुराने केसेस हैं। पर आज जुडिशरी ने अपनी कॉग्निजेंस लेते हुए इस चीज के लिए ऊपर अंदर संज्ञान लिया है और बहुत जल्दी इसका निपटारण कर रहे हैं। मलिक साहब, आज के जमाने में एक बड़ी और भयंकर समस्या लोगों के साथ हो रही है जी, और मुझे लगता है जो हर आदमी उसको झेल रहा है, वो समस्या है लोन की। लोन की कैसे, आज के टाइम में हर आदमी के ऊपर कोई ना कोई लोन है, किसी पे गाड़ी का लोन है, किसी पे बाइक का लोन है, किसी पे होम लोन है, किसी पे पर्सनल लोन है। देखिए, आज की डेट में हम शहर में रहने वाले जो अर्बन्स है, हाँ जी, इसके अंदर 80% लोग जो है, 80 के मैं कहूंगा, आंकड़े नहीं है मेरे पास, मैं अपने तजुर्बे के हिसाब से बता रहा हूँ कि 85% लोगों के पास लोन है। हाँ, तो ये लोन, किसी के पास कार लोन है, किसी के पास होम लोन है, तो इस लोन में क्या है कि कंज्यूमर लोन है, आज के टाइम में कई तरह के लोन होते हैं। जब लोन नहीं भर पाते लोग, ठीक है, तो होता क्या है, रिकवरी वाले तंग करते हैं, घर आते हैं, गाली गलौज करते हैं। सर, ये कानून गलत है, इस तरह की किसी भी तरह की जो है कोर्ट की तरफ से या कानून इस चीज को अलाउ नहीं करता। सर, ऐसा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपके राइट्स को पूरा वेल करता है, आपके घर आके कोई बदमाशी नहीं कर सकता, कोई आपसे रिकवरी के लिए आपसे गाली गलौज नहीं कर सकता, ना किसी तरह का उसको आपको उत्पीड़न दे सकता है, मेंटली फिजिकली दोनों तरह से आपको जो है पेन नहीं दे सकता। मतलब अगर आप एक लोन ले लिया, आप नहीं भर पा रहे, तो रिकवरी वाले के आपके घर नहीं आ सकते? नहीं, रिकवरी वाले अपना एग्जीक्यूटिव भेज सकते हैं सिर्फ मुझे इंटीमेट करने के लिए कि सर वो जो पेंडिंग जो आते हैं वो तो रिकवरी एग्जीक्यूटिव थोड़ा होता है, वो तो गुंडे होते हैं, वो तो लड़ाई झगड़ा एग्जीक्यूटिव की शक्ल में सारे गुंडे आते हैं जी, सबको पता है। इसके लिए जो कंज्यूमर है जिसने लोन ले रखा है, वो इसके लिए क्या उसके पास इलाज है, क्या उपाय है? यू कैन कॉल 100 नंबर। अच्छा, आप सीधा सा 100 नंबर पे अपना, और अगर पुलिस, अब मेरे ख्याल 109 या 119 नंबर हो गया है, आई डोंट नो, और 112 आप सीधा पुलिस को कॉल करिए और पुलिस को बुला के उसको उसके तो इसमें अगर मान लीजिए पुलिस भी काम नहीं करती है, या पुलिस कहते भी आपने लोन लिया आप भरो, या ये आएंगे सर? एक्चुअली पुलिस के पास सीधा सा एजेंडा ये है कि पुलिस आपको हमेशा कहेगी कि जी रिकवरी के लिए हम नहीं बैठे। ठीक, अगर आपके साथ कोई अपराध हो जाता है या अपराध होने की संभावना है या किसी तरह से आप मान लीजिए कि अपराध होना मतलब कि अपराध नहीं हुआ आपसे, मौखिक अपराध हो गया, फिजिकली अपराध नहीं हुआ, मौखिक अपराध हो गया, उस चीज को आप कैसे कारोबरेट करते हैं, उस चीज के लिए आपके पास है तो कुल मिला के पुलिस ही ना। नहीं मलिक साहब, मैं जो जानना चाह रहा हूँ ये है कि अगर पुलिस उसमें संज्ञान नहीं लेती, हाँ, तो आप उसकी रिटर्न कंप्लेंट कर लीजिए अपने नियर बाय थाने में जाके कि आप उसने कुछ नहीं करा। मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए किसी ने लोन लिया, अब रिकवरी वाले आते हैं, उसको गाली गलौज करते हैं, ठीक है, और उसको तंग करते हैं, तो उस कंडीशन में मान लीजिए आदमी पुलिस के पास जाता है, 100 नंबर पे फोन करता है, पुलिस नहीं करेगी, फिर क्या करे आदमी? आज की डेट में ऐसी घटनाएं पहले से बहुत कम होगी, पर ऐसा नहीं है कि खत्म होगी, नाराजगी नहीं हुई। बिल्कुल सर, आज भी लोगों की गाड़ियां रोड पे छीन लेते हैं रिकवरी वाले। देखिए, गुंडागर्दी तो बैंक अपनी जो है करते ही करते हैं, नेशनलाइज गुंडागर्दी कम करते हैं, तो सर सोल्यूशन ज्यादा करते हैं। सोल्यूशन क्या है इसका? प्राइवेट बैंक, इसका सोल्यूशन यही है कि सर आप अपने राइट्स को, पहले तो अपने राइट्स को जानिए, सबसे पहले आप ये जानिए कि आपके कानूनी अधिकार क्या हैं, आपके संवैधानिक अधिकार क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कौन से हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, और फिर इन चीजों के बावजूद आप अपनी लाइबिलिटीज को भी जानिए कि यदि आपने लोन लिया है और कोई ऐसा सर्कमस्टेंसेस है, कोई ऐसा कारण है, सपोज करिए आप लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं, आप अपने ऑफिस नहीं जा पा रहे, इस वजह से आप किस्तें भी नहीं दे पा रहे, अपना घर भी नहीं चला पा रहे, तो आप एक रिटर्न इंटीमेशन या एक रिटर्न जो है आग्रह पत्र अपने बैंक में जमा कराइए, जाके आप बैंक मैनेजर से मिलिए, उनको अपना आग्रह पत्र जमा कराइए, उनको बोलिए कि अभी मैं स्थिति में नहीं हूं कि मैं लोन की किस्तें भर सकूं, मैं जैसे ही अपनी स्थिति में आऊंगा तो मैं इसकी लोन की किस्तें दोबारा भरने लग जाऊं। और मान लीजिए ये आग्रह पत्र देने के बाद भी बैंक वाले नहीं सुनते, फिर क्या समाधान? नहीं सुनते तो बैंक के पास जो रेमेडी है वो अवेलेबल करेगा, और आपके पास जो रेमेडी है वो अवेल करिए। वही मैं जानना चाहता हूँ कि आदमी क्या कर सकता है उस कंडीशन में। उसके अंदर आप जो है इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं सबसे पहले अपने थाना अधिकारी को,
उसके बाद आप अपने एसीबी साहब को कर सकते हैं, डीसीबी साहब को कर सकते हैं, यहाँ तक के कमिश्नर साहब को कर सकते हैं। क्या कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं? मैं इस बात की गारंटी तो नहीं दे सकता कि ये घटनाएं आपसे आगे नहीं होंगी, पर इस घटनाओं में कमी आएगी आएगी। आपके एक रिटर्न इंटीमेशन देने के बाद या रिटर्न कंप्लेंट देने के बाद उसका संज्ञान पुलिस लेती लेती है, और लेने के बाद जैसे आपके घर में सपोज करिए फिर कोई रिकवरी एजेंट आ जाता है आपसे आगे बदमाशी करता है या आपको डराता धमकाता है, तो पुलिस उसी टाइम जो है उसको कस्टडी में ले सकती है। ठीक है, मान लीजिए अगर पुलिस नहीं सुनती तो क्या कंज्यूमर कोर्ट को अप्रोच कर सकता है? नहीं, कंज्यूमर कोर्ट इसमें कहीं भी लागू नहीं करता, क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट में इस तरह की किसी कार्रवाई को नहीं इनिशिएट किया जा सकता। इसके लिए आप अगर इसके बावजूद भी आपकी बात नहीं सुनी जाती तो आप अपने इलाका में स्टेट को, जिसे जीएमएफसी कहते हैं हम, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उसके बाद आप अंडर सेक्शन 156-200 के अंदर आप कंप्लेंट कर सकते हैं कि ये मेरी कंप्लेंट सुनी नहीं जा रही। अच्छा मलिक साहब, एक बड़ी गंभीर समस्या और है लोगों के साथ, वो है आजकल डिवोर्स की। आजकल डिवोर्स के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की शादी आजकल 3-4 महीने से ज्यादा टिकी नहीं पा रही है। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि अधिकतर ऐसा भी हुआ है कि भाई जो लड़का है उसको हरासमेंट किया जाता है, उसके फैमिली को तंग किया जाता है, दहेज का केस लगवाया जाता है उनके ऊपर। ऐसे बतेरे केसेस मैं कर रहा हूँ जिसके अंदर आप, मैं ये तो नहीं कह सकता कि दुनिया आधी झूठी है या आधी सच है या सच है या झूठ है, पर नंबर ऑफ केसेस आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है बच्चों के बीच में टेम्परमेंटल डिफरेंसेस। आज लड़की इस बात को मान के जो है उसका मानना ठीक भी है कि वो किसी आदमी से कम नहीं है, नहीं, औरत जो है आदमी से कम नहीं है, पर आदमी की भी कोई इज्जत है। मेरा ये कहना है ये आजकल के बच्चे जो शादी कर लेते हैं 24-25 साल की उम्र में शादी कर लेते हैं, इनके टेम्परमेंटल डिफरेंसेस क्यों होते हैं? क्योंकि दोनों में ईगो है। जब भी एक स्त्री मैन ईगो को हर्ट करती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये निकल के आते हैं, पहले झगड़े होते हैं, क्लेश होते हैं, फिर पहले झगड़े होंगे, फिर बीच में मार कुटाई हो जाएगी, फिर उसके बाद एलिगेशंस आ जाएंगे, एलिगेशंस के बाद आगे मुकदमे आ जाएंगे। तो आज जमाने में सबसे बड़ी बात क्या है, आज जमाने में मेरे हिसाब से अगर मेरे से सच मानिए तो मेरी एक बेटर एडवाइस यही है कि आप जो है ना तो स्त्री पुरुष को कम समझे, ना पुरुष जो है स्त्री को कम करे, और आप एक दूसरे की कभी भी ईगो हट। तो मलिक साहब, आज के समय में एक जो समस्या वो ये भी है, जैसे शादी होती है फिर कई बार डिवोर्स के लिए चले जाते हैं लोग। अच्छा, डिवोर्स में अक्सर ऐसा देखा गया कि लड़की वाले जब कोर्ट में डिवोर्स के लिए अप्रोच करते हैं तो एक क्लेम मांगते हैं कि भैया हमें 25 लाख, 50 लाख, 30 लाख, 1 करोड़, ये कंडीशन आ गई कि भैया लड़की पैसा मांगती है। जबकि अक्सर ऐसा देखा गया कि भाई शादी में उन्होंने खर्च करे 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए और बाद में वो मुआवजा मांगते हैं भैया 20 लाख, 50 लाख रुपए। तो इस कंडीशन में क्या है कि ये लड़के वालों के लिए एक बड़ा टॉर्चर, एक हरासमेंट वाली कंडीशन हो जाती है कि भैया आदमी 50 लाख कहां से लेके आए। सर, आपने एक कहावत सुनी होगी कि नीम गीम कतराए जान। जी, तो मुझे कहना नहीं चाहिए अपने प्रोफेशन के बारे में। कई एडवोकेट्स तो ऐसे हैं कि जो कॉपी पेस्ट करते हैं एलिगेशंस को। ठीक है, ठीक है ना जी, वो सिर्फ इतना जानना चाहते हैं लड़की पक्ष से भाई इसके घर में ननंदे कितनी हैं, सासू है, और बाद में पता चला सबको सर वो कोर्ट में सबके नाम डलवा दिए कि वहां पे अनुमन टाइपिस्ट बैठा है, उसको बता दिया भाई ये मुकदमा बना दे और डाल दे। अच्छा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस उन्होंने सोचने नहीं, ना किसी तरह की कोई अच्छी एडवाइस देनी है क्लाइंट को। बस अनाप शनाप कुछ भी पैसे मांग लेने हैं, पर अनाप शनाप पैसे मांगने से कौन सा मिल जाते हैं? बिल्कुल सही बात। नहीं, पर कोर्ट भी होता है सर, हरासमेंट तो होती है आदमी सर, हरासमेंट के लिए ये केसेस बने ही हरासमेंट के लिए। अब मेरे को जानकार है, मुझे पता है उनका डिवोर्स केस चलते हुए आज 17-18 साल हो गए के लिए तो हरासमेंट ही है। देखिए, आपकी सामाजिक इज्जत खराब होती है, आप मुकदमे आपके ऊपर हो जाते हैं, आपको 498 जैसे मुकदमे में जाके पहले जमानतें भी करानी पड़ती है, और सर पैसा खर्च होता है, एलिगेशन भी देने पड़ते हैं, फिर सबसे बड़ा समाज आपको ये नहीं छोड़ता कि 6 महीने 7 महीने शादी शादी चली और इनकी टूट गई, लड़के में कोई कमी होगी, लड़की की कमी कोई नहीं बताता। बिल्कुल, लड़के की कोई कमी होगी, लड़के के घर बार में कोई कमी होगी। मैंने ऐसी बड़ी इनोसेंट और ऐसी जस्टिफाइड फैमिलियां देखी है कि जिनकी मैं खुद गारंटी ले सकता हूं कि वो एक बहुत अच्छी और बहुत जो है सामाजिक फैमिली है, बट उनको समाज में उनका कोई रुतबा है और समाज में उनकी कोई इज्जत है और बहुत अच्छे लोग हैं, उनके साथ भी ऐसे हादसे हो जाते हैं तो आप क्या करेंगे?
बिल्कुल। तो सर इन इन सब चीजों का समाधान क्या है, जैसे लड़की वाले दहेज के केस में लगाए थे, अनाप शनाप एलिगेशन लगाए थे। मैं आपको एक बात बताऊं, यदि आपको लगता है कि आपके घर में जो ब्याहता आई है, जो लड़की आई है, वो किसी तरह से एडजस्टमेंट नहीं कर पा रही, बिल्कुल, कि आपको लगता है, पहले तो देखो आदमी कोशिश करेगा कितना टाइम भी निकले, साल दो साल, हर आदमी सोचता है कि अब सेटल हो जाएगा, अब सेटल हो जाएगा, थोड़ा सा अपना मूड स्विंग चेंज होंगे, या टेम्पर लेवल में कोई कमी आएगी, या इसको सद्बुद्धि देगा ईश्वर, तब कोई बात बनेगी। आप भी हर कोई पहले तो कोशिश करेगा, जो उसने भी, आप उन माँ बाप का सोचिए जो कि आज जमाने में 1,50,00,000 रुपए या 25,00,000 रुपए, आप सोना ही देख लीजिए, 80,000 रुपए तो सोना हो गया। बिल्कुल। अगर मैंने मरे से मराज गरीब आदमी भी 10 तोले सोना देता तो 8,00,000 रुपए का तो उसने सोना दे दिया, और 2-4-5 लाख रुपए रिसेप्शन के लगा दिए, 2-4-5 लाख रुपए खाने पे लगा दिए। एक गरीब आदमी भी आज 25-50 लाख रुपए से कम की जो मिडिल क्लास फैमिली है वो इतना खर्चा करता है, और इतना खर्चा करने के बाद उसकी 3 महीने बाद या 4 महीने बाद या 6 महीने बाद बेटी घर आ जाती है, उसके दिल पे क्या बीतती होगी। पर सर कहीं ना कहीं, और उसके बावजूद सुनवाई उसकी है, पुरुष पक्ष की सुनवाई नहीं। मैं इसी पे आ रहा था कि आज के क्या आज समाज में, आप मेरे को एक बात बताइए, क्या आज समाज में जितने भी तलाक हो रहे हैं सबका जिम्मेवार पुरुष है? पुरुष है, बिल्कुल। मैं इसी बात पे आ रहा था कि हर बात में आज के टाइम में हम किस आधार महिलाओं की सुनी जाती है, महिलाओं की सबसे पहले सुनवाई होती है कि लड़की ने महिलाओं से दहेज मांग रहे हैं तो पता चल रहा है कि भैया उठा के ले। देखिए महिलाएं जो है उनको वो सम्मान की पात्र है, वो प्यार की पात्र है, ठीक है ना जी, उसके साथ हमें उनकी स्पेशल केयर करना पड़ती है क्योंकि वो महिलाएं हैं। हमारी माँ भी एक महिला है, हमारी बहन भी एक महिला है, हम जिसको अपने घर ब्याह के लाए हैं वो भी एक महिला है। अगर हम उनका मान सम्मान प्यार नहीं करेंगे तो हमारा जीवन कैसे कटेगा? हम अपने जीजा से क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारी बहन को बहुत अच्छे से रखे? बिल्कुल। वैसे ही उसके परिवार वाले भी हमारे से यही उम्मीद रखते होंगे। अब ये डिफरेंसेस आते क्यों हैं, या ऐसा क्लैश होता क्यों है? ऐसा क्लैश कब होता है? कई बार क्या होता है, लड़की ज्यादा कमाती है, आदमी कम कमाता है। आदमी थोड़ा सा, आपको पता ही है आज जमाने में हर बच्चा जो है थोड़ा सा अपना शाम के टाइम पे घूमना फिरना खाना पीना ये रहता ही है। बिल्कुल। इसी चीज को एजेंडा इसी चीज से शुरू होता है। आप शराब पी के आते हो जी, आप सिगरेट बहुत पीते हो जी, आप घर टाइम पे नहीं आते जी, आप ऐसा रहते हैं कही है। अब कई आदमी तो जेनरली बिजी हैं, वो अपनी जॉब को सडनली आगे बढ़ाते हुए ओवर टाइम करते हैं, ओवर टाइम करने के बाद आज पोल्यूशन में रह रहे हो आप, इतनी बुरी परिस्थितियों में रह रहे हो। दिल्ली तो रहने लायक शहर ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर आदमी थोड़ा रिलैक्सिंग होने के लिए अपने दोस्तों के साथ बैठ भी जाता तो उस चीज का एजेंडा तो नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल। या इश्यू तो अगर किसी को शराब की लत हो तो एक अलग चीज़। और आदमी को भी चाहिए कि ठीक है सारा कुछ वाइंड अप करके जो भी है अपना टाइम से घर जाए, टाइम से घर जाके अपना अपनी वाइफ से पूछे उसकी कोई जरूरतें हैं, उसकी किसी की कोई रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करे, अपने मदर फादर की इज्जत करे, अपनी फैमिली की इज्जत करे, अपनी बीवी को अच्छे से रखे, तो ये क्लेश होंगे ही नहीं। ये क्लेशों का कारण ही यही है कि जब हमारी ईगो टकराती है, पहले सिर्फ मैन ईगो होती थी, अब वुमेन्स ईगो भी है। हाँ। और क्यों ना हो, औरतें किसी से कम नहीं है। बिल्कुल। अगर हम ये ऐसी सोच रखते हैं कि औरतें किसी से कम है तो हमारी ये सोच निराधार है। बिल्कुल बिल्कुल फैक्ट है। ना पुरुष किसी से कम है ना औरतें किसी से कम है, दोनों एक इक्वल है। बिल्कुल। मेरी नजर में तो दोनों इक्वल है, सबको समान अधिकार है, सबको समान जीने का तरीका रहता चाहिए, सबको अपनी फ्रीडम होनी चाहिए। अच्छा, पर उसके बावजूद एक दूसरे का सम्मान आना चाहिए। मलिक साहब एक एक चीज पे मैं रोशनी डालना चाहूंगा आपकी भी जी, कि चलो ठीक है ये सब केसेस तो चलते रहेंगे और मुझे लगता है कि ये डिवोर्स केसेस या ये महिला और आदमी में समानता का ये जो क्लेश है ये तो शायद हमेशा ही चलता रहेगा और हमेशा से रहा ही है। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको या आप इस बात से कितना सहमत है कि हमारे यहाँ की जो न्याय प्रणाली है वो भी ठीक नहीं है। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी आदमी को एक महिला के साथ या एक महिला को एक पुरुष के साथ नहीं रहना, उनको डिवोर्स चाहिए, तो क्या उनको 5-5 साल या 10-10 साल कोर्ट में धक्के खाने की जरूरत है? देखिए सीधी सी संभावना तो ये बनती है, मतलब जैसे चलो एक मर्डर हो गया तो मर्डर में इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उस समझ में आता है। पहला तो सर लॉ के अंदर मैंडेटरी है कि 1 साल का अलग बात,
आपकी शादी कभी भी हुई हो, एक साल का सेपरेशन तो चाहिए चाहिए। यदि आप एक साल से सेपरेट रह रहे हैं तो आपको कोर्ट फर्स्ट मोशन अलाउ करती है, और फर्स्ट मोशन के बाद 6 महीने बाद सेकंड मोशन अलाउ करती है। अगर आप सेकंड मोशन में भी ये बात कह देते हैं कि मुझे किसी परिस्थिति में मेरी यहाँ पे इसके साथ रहने की कोई संभावना नहीं है, नहीं। तब कोर्ट आपको डिवोर्स डिग्री अलाउ करती है। पुलिस थाने ये सब भी तो झेलने पड़ते हैं सर, ये तो झेलने ही पड़ेंगे। नहीं तो कानून की जो न्याय प्रणाली के हिसाब से जो सिस्टम बन गया, जो रूल बुक बन गई, जो लॉ बन गए, उसके अकॉर्डिंगली तो झेलने ही पड़ेंगे। नहीं तो कहीं सबसे पहला कहीं ना कहीं ये क्या सबसे गलत पहले नहीं है आपके एक, एक इस मुकदमे में सबसे पहले सीएडब्ल्यू सेल में कंप्लेंट होती है। सीएडब्ल्यू सेल में कंप्लेंट होने के बाद जब आपकी वहां पे कोई संभावना नहीं होती समझौते की, तो फिर उसके 498 का मुकदमा 506 का बना के FIR रजिस्टर कर दी जाती है, जो कि आपका दहेज उत्पीड़न का मुकदमा उसमें चलेगा। ठीक है, उसके बाद जो है एक डीवी एक्ट का आ जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का थर्ड मुकदमा आ जाता है आपको 125 CRPC मेंटेनेंस के लिए कि आप खर्चा मांग रहे हैं। चौथा मुकदमा आ जाता है आपका सेक्शन 13 डिवोर्स का, उसके अंदर आप क्रुएल्टी के ग्राउंड पे या दूसरे कई ग्राउंड्स पे देयर आर सो मेनी ग्राउंड्स, आप किसी भी ग्राउंड के ऊपर मुकदमे के आप मुकदमा डाल सकते हैं कि इससे तलाक चाहिए। पर बेसिकली हम इस न्याय प्रणाली के ऊपर जो है, न्याय प्रणाली बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, उनको कोई मतलब नहीं है कि ये उच्च घर से है, ये नीच घर से है, या ये वो तो एक अलग अलग रिच पीपल है या अपना बिल्कुल पुअर पीपल है, इस चीज से कोई मतलब नहीं है। कानून तो अपनी जगह काम कर रहा है, बिल्कुल कानून तो ये आज भी जो है हमारे जो प्रिंसिपल जजेस बैठे हुए फैमिली कोर्ट के अंदर, वो आज भी इसको समझाने की कोशिश करते हैं, काउंसलर अपॉइंट करते हैं, मेडिएटर्स अपॉइंट करते हैं, अभी समझा बुझा के शायद कोई घर बचता हो तो बचा लिया जाए। पर जब उसकी संभावना नहीं होती, दोनों तरफ से जिद्दी होती है, कोई भी जो पक्ष है झुकना नहीं चाहता, क्योंकि झुके बगैर कभी भी समझौता नहीं होता बिल्कुल। और आज के टाइम में झुकना कोई नहीं चाहता, दोनों पक्षों को कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तब घर जुड़ा रहेगा। अच्छा, अगर ये दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ते या एक दूसरे से किसी तरह का समझौता नहीं करते, झुकाव नहीं लाते, तो फिर अंत में तो डिवोर्स होना ही। अच्छा सर, आज के टाइम में जैसे दिल्ली के अंदर पिछले लगभग 7-8 साल से लॉ एंड ऑर्डर का जो इशू बड़ा भयंकर हो गया, मतलब यहाँ क्राइम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और सर, क्राइम बढ़ने की सबसे बड़ी परेशानी है आज की जो जनरेशन है, यंग जनरेशन, उसका अनएम्प्लॉयड होना, अनएम्प्लॉयड। दूसरा है सोसाइटी, आपका बच्चा किस सोसाइटी में कैसे बड़ा हो रहा है, आपको जानने के बावजूद भी कई बार आप ध्यान नहीं देते। बिल्कुल, तो फिर वही बात है भाई, चोर की संगत में चोर और साध की संगत में साध। बिल्कुल, अब होता क्या है सर, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा इशू है आज के टाइम में, क्राइम बढ़ने का। पुलिस वाले भी जैसे मैंने देखा अक्सर रोड पे जैसे बैरिकेड लगाए खड़े होते हैं, अननेसेसरी लोगों को गाड़ी रुकवा के उनके पेपर देखे जाते हैं। अच्छा, एक बड़ा इशू है दिल्ली के अंदर कि दिल्ली में 5-6 बजे के बाद फिर अधिकतर लोग शराब, ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे होते हैं, तो ये भी एक बड़ा इशू उठता है कि भाई ड्रिंक एंड ड्राइव में आदमी, मान लो किसी ने एक पैक लिया या एक बियर पी के घूम रहा है वो, और पुलिस वाले ने रोका और चेक करा कि भाई इसने ड्रिंक एंड ड्राइव कर रखी है, उसका उठा के थाने ले जाते हैं, पहले तो उसको 2-4 घंटे बिठाया जाता है, फिर 5-7 हजार का चालान काट दिया जाता है, उसकी गाड़ी सीज कर दी जाती है, ये इसके बारे में थोड़ा सा आप हमारे जितने भी लोग, बिल्कुल ड्रिंक एंड ड्राइव के विरोध करता हूँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए, ये एक अच्छाई नहीं है, बिल्कुल ये एक सामाजिक अच्छाई नहीं है जिसका मैं समर्थन करूं। बिल्कुल, ड्रिंक एंड ड्राइव बड़े ही खतरनाक चीज है, कई ऐसे एक्सीडेंट हो गए समाज में जिनमें सामने वाले की जानी चली गई, राइट, ठीक है जी। एक तो इसमें आए दिन होते हैं सर ऐसे, तो 304A का मुकदमा चलता है जी, उसके अंदर भी जो है ड्रिंक एंड ड्राइव के अंदर अगर किसी की फैक्चुअल डेथ भी हो जाती है, ठीक है ना जी, तो भी उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता, थाने से जमानत दे दी जाती है। इसलिए कानून कड़े होने की वजह से जो है, कानून कड़े नहीं है इस वजह से लोग इस चीज को हल्के में लेते हैं, उनको एक किसी की मृत्यु भी जो है ना वो कंफर्टेबल लगती है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि उनको उसको लेके कोई दिल पे बोझ हो या उनके मन में ऐसा आ गया होगी यार ये मेरे से क्या ही हो गया। हाँ, मतलब ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, आप नशे की हालत में थे, आप संभाल नहीं पाए, आप नशे की हालत में थे, आप उस समय जब हम नशे में होते हैं
सबसे पहले क्या होता है, ये जो हमारे दिमाग का निचला हिस्सा है जी, ये स्लो करता है हमारे को। अल्कोहल जैसे जैसे ब्लड में आपके घुलता जाएगा वैसे वैसे आपका दिमाग स्लो होता जाएगा। ये एक्शन मैंने ऐसे किया और शराब पीने के बाद यही एक्शन मेरा ऐसे होगा। तो दिमाग की सोचने की शक्ति कम हो जाती है, दिमाग की सोचने की शक्ति कम हो जाती है, दिमाग का अलर्ट कम हो जाता है, तो आप चीजों को संभाल नहीं पाते, इसलिए आपसे एक्सीडेंट होते हैं। और ड्रिंक एंड ड्राइव आदमी को, मैं तो कहता हूं कि ठीक है पुलिस वाले सख्ती करते हैं, सख्ती अपनी जगह ठीक है, पर हरासमेंट गलत है। हरासमेंट कैसे है, हरासमेंट ऐसे है कि आप उनको घंटों घंटों बिठाई रखते हो, आप उनकी गाड़ियों में से चाबी निकाल लेते हो जो कि कानून आप निकाल नहीं सकते, आप उनसे जो है बदतमीजी करते हो जो आप कर नहीं सकते, गाली गलौज की जाती है, गाली गलौज की जाती है, यहां तक के कई जगह तो जो है झगड़े भी हो गए हैं पुलिस वालों और उनके बीच में जो है अपना हाथापाई भी हो चुकी है, कई ऐसे किस्से हैं। पर मैं इसका कहीं भी समर्थन नहीं करूंगा और इसके लिए मैं तो समाज को यही कहना चाहूंगा कि प्लीज डू नॉट ड्रिंक एंड डू नॉट ड्राइव। मलिक साहब, एक बड़ा अहम और बड़ा गंभीर सवाल है और मैं चाहूंगा कि इसका जवाब बड़ी ईमानदारी से आप दें जी। आप वकील क्यों बने और आपका बेटा भी वकील है, तो आपने उनको भी वकील देखिए, मैं 91 के अंदर व्हेन आई वाज इन अ 12th क्लास जी, तो मैंने एक पिक्चर देखी थी दामनी, सन्नी पाजी की, सन्नी पाजी की, तो सनी देओल का मैं बहुत अमरीश पुरी भी हमारे चड्डा साहब, सनी देओल का बहुत बड़ा फैन भी हूं जी सनी पाजी का। और वो पिक्चर मैंने देखी तो मैंने उसमें एक चीज, दो चीजें मैंने महत्वपूर्ण समझी जी। एक तो मैंने उससे, उस पिक्चर से मेरे मन में आया कि मैं एक लॉयर बनूंगा। अच्छा, मेरे को तब ऐसा महसूस हुआ कि यार मैं भी लॉयर बनूंगा। तो सर बेटे को भी फिल्म तो नहीं दिखा दिया आपने कहीं, उसको भी? नहीं नहीं, बेटे ने तो मेरी फिल्म देख ली जी। ठीक है, तो मैंने उस समय ये देखा कि देखिए जीत सत्य की होती है, वो सच्चाई है, इसलिए हम सत्य में जीती कहते हैं। पर एक क्लाइंट के लिए चड्डा साहब जो थे, अमरीश पुरी साहब, उसके अंदर देखिए वो साम दाम दंद भेद कैसे भी करके पूरी कोशिश करते हैं कि उनके जो है क्लाइंट को रिलीफ मिले और वो इस आरोपों से बच के बरी हो जाए। ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि पिक्चर था। पर सच्चाई जिंदगी में ये है, बीइंग अ लॉयर मैं आपको कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं ये चीजें इफेक्ट करती है सर। ऐसा तो नहीं है जब आप सत्य की हार हो जाती है, आपने बात सच्चाई, पर कभी ना कभी आपको ईमानदारी से बोलूं तो कभी ना कभी तो झूठ भी जीत ही जाता है, जीत ही जाता है। मैं उसी भी आ रहा था कि जब आपने बात सच्चाई की है तो ऐसा कई बार सुना गया और देखा भी गया कि मान लीजिए मैंने किसी केस के अंदर किसी वकील को हायर किया, तो वकील साहब पता चल रहा है कि जो दूसरी पार्टी पक्ष के पार्टी वाले हैं उनके साथ वो दोनों वकील आपस में मिल गए हैं और दोनों वकील मिलके दोनों क्लाइंटों को खींचे जा रहे हैं। जो केस एक या दो या तीन हेयरिंग में सुलझ सकता था उसको जानबूझ के उलझा के लंबा चलाए जा रहे हैं, या फिर पता चला वकील साहब होगी आपस में सेटिंग होगी, वकील साहब ने बोला भैया तू हमारे साइड से ये कुछ पकड़ दक्षिणा और इस केस को टांगता रहे या हम जैसे बोलेंगे वैसे करता रहे, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए संभावनाएं तो हर जगह, बिल्कुल सर, ऐसा तो नहीं है कि मतलब आप इस बात को मानते हैं कि ऐसा होता है? नहीं, ऐसा होता है जी, पर अनुमान ऐसा होता है मैं ये नहीं कह रहा। बिल्कुल, हर चीज सो में मान लीजिए अगर 5 या 10 वकील भी ऐसे हैं, लिमिट है। देखिए इस पे डिपेंड करता है आपका जमीर क्या कहता है। मैं भी एक लॉयर हूं, मेरे साथ मेरे ऐसे हजारों दोस्त, ऐसे लाखों दोस्त होंगे जो लॉयर है, उनकी कॉन्शियस क्या कहती है, वो कितने ईमानदार हैं अपने प्रोफेशन को लेके, ये उन पे डिपेंड करता है। रही बात मेरी, तो मेरे अपोजिट काउंसिल जो भी खड़े हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे उनके बच्चे बहुत अच्छे टर्म्स हैं, बिकॉज मेरा ये मानना है कि हमारे पर्सनल इश्यूज नहीं होने चाहिए। आप अपना काम कर रहे हो, मैं अपना काम कर रहा हूं, उसके बावजूद हम बरादरी भाई है। बिल्कुल, तो हमें झगड़ा नहीं करना, पर हमें एक दूसरे से मिलना है तो भाईचारे में मिलना है, प्रोफेशनली नहीं मिलना। बिल्कुल, आपने उसको रिप्रेजेंट करना है जो आपका क्लाइंट है, मैंने उसको रिप्रेजेंट करना है जिसके क्लाइंट है, और मेरी प्रायोरिटी और ईमानदारी यही होनी चाहिए कि मेरे क्लाइंट को रिलीफ मिलना चाहिए हर हद तक। अच्छा, मैं उसके लिए जो कुछ कर सकता हूं, जहां तक कर सकता हूं, मैं उतनी कोशिश और उतना परिश्रम करूंगा ताकि उसको, क्लाइंट को मेरे रिलीफ मिले। यही मेरा मेन एजेंडा है और यही मेरा फर्ज बनता है। अच्छा सर, इस बात में कितनी सच्चाई है कि अधिकतर वकील साहब, अधिकतर नहीं मैं तो ये कहूंगा कि सभी वकील साहब
पुलिस वालों को खूब डराते हैं और पुलिस वालों की बड़ी हवा खराब रहती है वकील साहबों से। भाई है ना हमारे छोटे ऐसे है सर, हम एक ही सालू के एक ही पहलू के तो एक सिक्के के दो पहलू है, एक हेड्स है और एक टेल्स है। तो पुलिस पुलिस वाले जब अपनी आई पे आते हैं तो वकीलों को डरा देते हैं, जब वकील अपनी आई पे आते हैं तो पुलिस वालों को डरा देते हैं। अच्छा अभी कुछ रहना तो सबने इकट्ठा ही है। अभी आपने खबर सुनी होगी सर कि गाजियाबाद में जज साहब और वकील साहब आपस में भिड़ गए कोर्ट के अंदर। एक्सेप्शनल केस है नहीं तो ये ऐसा इसके एक्सेप्शनल केस है, चलते रहते हैं, लोग सिर्फ भड़कावे में आ जाते हैं। ऐसा हो गया, जज साहब ने ऐसा कह दिया वैसा कह दिया, या वकील साहब ने ऐसा कह दिया वैसा कह दिया, जड़ तक जानने के लिए किसी को जरूरत नहीं होती। ठीक है, वही बात है कि आपके घर के बाहर आपके मोहल्ले के बाहर शोर मचा, गोली चल गई जी, गोली चल गई, क्यों चली, किस लिए चली, किसने चलाई, ये बात मानने को कोई तैयार नहीं है। बस दुनिया जिधर भाग रही है उधर दुनिया भागने लग जाएगी। बिल्कुल, अपनी बुद्धि का भी तो आप प्रयोग करिए। अच्छा एज ए वकील सर, क्योंकि आप वकालत में है, वकील है, तो हमारे देश की जो न्याय प्रणाली है, कानून व्यवस्था है, इसको लेके आप क्या सोचते हैं कि क्या क्या इसके अंदर कमियां है, उन कमियों को किस तरीके से ठीक किया जा सकता है? सर कमियां नहीं है, बेसिकली हम अभी भी पिछड़े होके चल रहे हैं। अच्छा, कानून में हमारे कमी नहीं है। अभी हमारे भारत सरकार ने कमी क्यों नहीं है कि मैं एक बात पूछना चाहूंगा, मैं उसकी कमियां भी बताऊंगा। नहीं, मैं एक सवाल कर लेंगे पहले सर, कि आपने कहा कमी नहीं है तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि एक आदमी ने मर्डर किया, ठीक है, अरेस्ट हुआ, दो साल तीन साल उसका ट्रायल चला, उसके बाद वो बरी हुआ मतलब उसको जमानत मिल जाती है, पांच साल दस साल केस चलता है तो पता चलता है कि भैया वो आदमी तो वहां था ही नहीं। सर ठीक है, कानून की कमी नहीं है ना, ढीला और लचीला। हाँ मतलब जो भी है सर, ढीला हो तो यही रहा ना, लड़कियों के कमी होना एक अलग चीज है। हमारे देश में अपराध होते हैं सर, कितनों को सजा होती है। मेरी बात सुनो, मेरे अंदर अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी है तो मैं कमजोर तो नहीं हूं, एक विटामिन सी की डेफिशिएंसी है कमजोर तो नहीं हूं। सर सलमान खान ने हिटलर केस में पकड़ा गया, हमारे पहले तो ये हुआ कि सलमान खान ने शराब नहीं पी थी, ठीक है, उसके बाद बात आई कि सलमान खान का ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, फिर उसके बाद ये सलमान खान तो था ही नहीं। ये मैं आपको एग्जांपल पहले ही दे चुका हूँ कि कहीं ना कहीं झूठ जीत जाता है कभी कभार, पर मैं हमारे यहाँ तो मोस्टली केसेस में मैं देखता हूँ कि झूठ ही जीत पाता है, सच्चाई को तो शायद नहीं। ये आपका अपना पर्सनल जो है सोच रही नहीं सर, मैं भी केसेस के आधार पर बात कर रहा हूँ। बीइंग अ प्रोफेशनल मैंने ये देखा है कि अधिकतम जीत तो सत्य की है। बिल्कुल, पर मैंने कई बारी जीरा की है, कई बारी मैं आर्गुमेंट करता हूँ, कई बारी मैं एविडेंसेस को मिसलीड भी जो नहीं कह सकते, मतलब कि मिसलीड करा दिए जाते हैं या कैसे भी उसका फायदा उठा लिया जाता है, हम लोग भी उठाते हैं, सच्चाई है, पर अधिकतम जो है अधिकतम केसेस सच के बिना पे सच्चाई में ही जीत होती है। मलिक साहब इस बात में कितनी सच्चाई है जो मैंने सच सुना को मैनिपुलेट किया जा सकता है सर, बिल्कुल छुपाया नहीं जा सकता। अच्छा मलिक साहब, हमारी टीम ने जब रिसर्च की थी तो एक बात मुझे पता चली कि जो गरीब लोग हैं या जिनके पास जो पैसे देने में सक्षम नहीं है उनकी केसेस आप फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ते हैं। जी बिल्कुल, मैं पहले दिन से जब से मैं इस प्रोफेशन में आया हूँ, मेरे माँ बाप ने एक मेरे को जो था आज्ञा दी थी जी अपने गुजरने से पहले, या ये कह लीजिए कि मैं उस चीज को आज तक कंप्लाइंस कर रहा हूँ कि मेरे माँ बाप की आखिरी इच्छा थी। उन्होंने कहा बेटा अगर आप इस प्रोफेशन में आए हो, आप 100 आदमियों को तो आप फ्री केस कर दो ये तो पॉसिबल नहीं, पर यदि 1, 2, 4, 5 केसेस ऐसे जीवन में आपको साल में आते हैं जो बेचारे बिल्कुल ही गरीब है और उनको एक अच्छा वकील चाहिए और वो आप पे विश्वास करते हैं कि आप एक अच्छे वकील हो और आपको हायर करना चाहते हैं, तो उनको अपने पास से भी अगर आपको फीड करना पड़े तो आप कर दें। मलिक साहब चलते चलते अंत में जितने भी लोग हमें देख रहे हैं जी सर, और बहुत सारे लोग आपके चाहने वाले भी हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देंगे और क्या कहना चाहेंगे, खासतौर हमारे देश के कानून को लेके आप क्या सोचते हैं बता। मैं तो ये कहूंगा जी, आप अपने काम में व्यस्त रहें, अपने घर में खुशहाल रहें, लॉ एंड ऑर्डर की इज्जत करें और समाज की इज्जत करें, सामाजिक रहें और खूब मौज मस्ती से अपने जीवन को गुजारें। मलिक साहब इस वाले कैमरे में देखिए, आप ये बता दीजिए कि आज जो आपकी हमारी जो चर्चा रही, बातचीत रही, कैसी लगी आपको और क्या दोबारा हमारे साथ चर्चा करना आप पसंद करेंगे? बिल्कुल पसंद करेंगे। और कैसा रहा आपने सामाजिक मुद्दों पे बात की, जो कि सामाजिक मुद्दे ऐसे होते हैं कि हमें समाज में रहकर समाज के बारे में बात करनी चाहिए। यदि हम समाज में रहकर समाज के बारे में बात करते हैं और समाज के लिए अच्छा सोचते हैं तो हम
उसी समाज के हिस्से हैं, हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। और लास्ट टाइम मैं एक अपने जो बच्चे जो ब्याहे जा रहे हैं आज की डेट में जो यंगस्टर्स हैं, उन बच्चों को एक ही मैसेज देना पाऊंगा कि बेटा थोड़ा आप अपना टेम्परमेंट लेवल संभाल के रखिए, थोड़ा आप अदब से और सलीके से पेश आए एक दूसरे से, जहां तक हो सके अपनी चीजें अपने में निपटाएं, अपने माँ बाप तक भी ना जाने दें और अपनी शादी अच्छे से निभाएं। तो दोस्तों ये थे मलिक साहब, और मलिक साहब ने चलते थे बहुत गहरी और बहुत अहम बात बता दी कि भई आज के टाइम में डिवोर्स बहुत हो रहे हैं, क्योंकि वकील हैं तो इनके पास केसेस आते होंगे और शायद इनके पास अच्छा खासा आंकड़ा भी है कि क्या रेशो आजकल चल रहा है। तो अगर अच्छा गृहस्थ जीवन चाहिए और सुखी जीवन चाहिए, पारिवारिक सुखी चाहिए, तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे के एटीट्यूड को समझें और कदर करें एक दूसरे को, कोर्ट कचहरी जाने से बचें, पर जरूरत पड़े तो जाए भी। और मलिक साहब तो हमारे बैठे ही हैं, जो अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो किसी भी तरह की अगर लॉ से संबंधित कुछ जानकारी चाहिए तो वो देते रहेंगे। आज की जो चर्चा है उसके बारे में अगर कुछ आप जानना चाहते हैं, कानून से जुड़ी कोई बात अगर आप पूछना चाहते हैं, आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, जवाब मलिक साहब से लेके हम देंगे। और वीडियो जैसी भी लगी हो कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, और कुछ ज्ञान की बातें मिली हो तो इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।